नमस्कार, मैं हूं रौनक गांगुली और स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। किसानों के भारत बंद की मियाद खत्म हो चुकी है, यानी 3 बजे तक का वक्त था और वो समय निकल चुका है। रमन, भारत बंद का असर कुछ खास नहीं रहा। दिल्ली के सभी प्रमुख बाजार खुले रहे, NCR में भी कुछ खास असर नहीं रहा भारत बंद का देखने को मिला। बाकी राज्यों में भी दुकानों पर बंद का असर देखने को नहीं मिला। तो विपक्ष का भारत बंद में असर रहा है, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत बंद फ्लॉप रहा है, सियासत फुल हुई, लेकिन भारत बंद फ्लॉप साबित हुआ है विपक्ष का। अब हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं किसानों के भारत बंद का कैसा असर रहा। ज्यादातर इलाकों में बाजार खुले रहे, बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। नोएडा, दिल्ली NCR में भी इतना असर नहीं रहा है। आपने देखा नोएडा में भी तमाम दुकानें खुली रही। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रांची से तस्वीरें आई हैं, विशाखापट्टनम, पटना से भी तस्वीरें आई हैं। सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। बड़ौदा से तस्वीर, मुंबई से भी तस्वीर सामने आई है। सड़क पर जाम लगाया गया, प्रयागराज की तस्वीर भी सामने आ रही है। संवाददाता हितेन और मलिका हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। हितेन, क्या कुछ जानकारी? जो समय था भारत बंद का वो खत्म हो गया है। 3 बजे तक का समय था, 3:30 का वक्त हो चुका है। हितेन, बिल्कुल, देखिए चक्का जाम जो है वो 3 बजे तक का वक्त था और ये बॉर्डर तो जो है लगभग 13 दिनों से बंद है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ से इस बॉर्डर से अभी ये आ रही है। बाकी लोग भी लेके जाऊं सर, सब जाएंगे। ये बड़ी खबर, हितेन रोकना चाहेंगे आपको? तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने, पुलिस ने रोका है। तस्वीरें देखिए, झड़प की तस्वीरें भी, सब जाएंगे। ये तस्वीरें सीधा आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पर। आम आदमी पार्टी ने सुबह ट्वीट किया था और कहा था कि केजरीवाल को नजर बंद किया गया है और ये तस्वीरें अभी सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इनकार किया था। मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए। चौंक होती हुई पुलिस कर्मियों से आप देख रहे हैं। सुबह आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया दिल्ली पुलिस पर और कहा कि नजर बंद कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, जब से उनके साथ मुलाकात करके आए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि हर एक राजनीतिक व्यक्ति को, राजनेता को जाने की, मूवमेंट करने की अनुमति है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया और पुलिस, जी हिंदुस्तान पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहस हो रही है मनीष सिसोदिया और पुलिस के बीच में। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तमाम आरोपों से इनकार किया था कि किसी को नजरबंद नहीं किया गया है, किसी की कोई मूवमेंट नहीं रोकी है। और ये तस्वीरें आप जी हिंदुस्तान पर देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प की। सीएम आवास पर पहुंचे हैं सिसोदिया, तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। सीएम आवास पर सिसोदिया पहुंचे हैं और यहां पर हंगामे की तस्वीर भी सामने आ रही है। आपको याद होगा कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे, किसानों से बातचीत की, सेवादार कहा और कहा कि जो दबाव हम पर नौ स्टेडियम को स्थायी जेल बनाने के लिए बनाया गया था, हमने उसको माना नहीं, अंतरात्मा की आवाज सुनी। और उसके बाद आज ये आरोप लगा दिया दिल्ली पुलिस पर कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। मनीष सिसोदिया उनसे मुलाकात के लिए उनके आवास पहुंचे हैं, तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने सुबह ही ट्वीट कर कहा कि उनके विधायकों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। कल सिंघू बॉर्डर गए थे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीएम आवास की दिखा रहे हैं जहां मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा चुकी है आम आदमी पार्टी, हालांकि दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लक्ष्मी, बातचीत चल रही है ये दिल्ली पुलिस और मनीष सिसोदिया के बीच में, कुछ बातचीत चल रही है, शायद वो अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें क्यों रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी पहले ही ट्वीट कर चुकी थी सुबह कि उन्हें नजरबंद किया गया है अरविंद केजरीवाल को। हालांकि कल वो गए थे
सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। कल वो पहुंचे थे लेकिन आज सुबह जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगे और उसके बाद ये तस्वीरें क्या कुछ कहती है समझना बहुत जरूरी होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। सवाल ये है कि भारत बंद के बीच ये नजरबंद की चैंपियनशिप जो खेली जा रही है आखिर ये कहां तक सही है, कितनी सही है, क्या पॉलिटिक्स के लिए किसी भी बयान का इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, सभी को मूवमेंट की अनुमति है दिल्ली में। कल से जब से सिंगू बॉर्डर से किसानों से मिलकर आए हैं उसके बाद से उनको घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है, ना उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा है ना उनको कहीं जाने दिया जा रहा है, यहाँ तक कि उनका पर्सनल स्टाफ भी बाहर जाना चाहता है तो उसको बाहर नहीं जाने देते, MLAs ऑफिशियल मीटिंग के लिए उनसे आना चाहते हैं MLAs को मिलने के लिए नहीं आने दिया गया, बल्कि MLAs की पिटाई तक की गई जो MLAs मिलना चाह रहे थे। ये ऐसा कई सेक्शंस में क्लेम किया जा रहा है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्लेम्स या बातें जो है एकदम बेबुनियाद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अपनी यूजुअल ऑफिशियल एंगेजमेंट्स और अदरवाइज उनको मीट कर रहे हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और सिर्फ वही नहीं उसके आसपास के जो भी रेजिडेंट्स हैं सभी अपने यूजुअल जो है रूटीन के हिसाब से मूव कर रहे हैं, कहीं पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हमने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर। तो किसान आंदोलन की, भारत बंद की चप्पे चप्पे की खबर हम आपको दिखा रहे हैं और सीधा चलते हैं सिंगू बॉर्डर, हमारे संवाददाता हितेन वहां मौजूद हैं। हितेन, अरविंद केजरीवाल कल वहां आए थे, आज कहा गया है कि नजर बंद है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे थे जरूर, थोड़ी दूरी पर एक आम आदमी पार्टी का एक कैंप लगाया, लंगर लगाया, वहाँ का जायजा लिया, किस तरह की तैयारियाँ की गई है ये सब उन्होंने देखा। और आज सुबह हालांकि CM आवास के बाहर बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने जरूर की हुई है क्योंकि दिल्ली BJP का एक धरना था, एक दिवसीय प्रोटेस्ट जो है वहाँ पे चल रहा था, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने वो बैरिकेड किया था CM हाउस प्रोटोकॉल के तहत, मुख्यमंत्री आवास में कोई घुस ना जाए जबरन, इसीलिए प्रोटेस्टरों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन अभी सिंधू बॉर्डर की मैं तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए यहाँ किसान शांतिपूर्वक तौर पर बैठे हुए, तो बाहर की तस्वीर देखिए कुछ दलित संगठन के लोग हैं जो यहाँ पे लगातार नारेबाजी कर रहे, सुबह से ही लोग जो है यहाँ पर जुड़ते जा रहे किसानों के समर्थन में, और राकेश टिकैत जो है थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे क्योंकि एक बैठक होगी 4 बजे ऑल इंडिया किसान नेताओं की यहाँ, जिसमें तय किया जाएगा कि 13 नेता कौन से 13 लीडर्स होंगे जो शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाएंगे और चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा, मल्लिका भी वहीं से हमारे साथ जुड़ी हैं। मल्लिका, थोड़ी देर में ही राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं और ये जो 7 बजे मीटिंग होनी है राकेश टिकैत की गृह मंत्री अमित शाह से, उससे पहले ये कैसे देखा जाए इस पूरी को, बैठक को, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन इसी का जवाब हर्षा मैं आपसे ले रही हूँ, ये पूरी बैठक कितनी महत्वपूर्ण? जी जी, मैं आपको बताऊँ लक्ष्मी, ये पूरी बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह के साथ बैठक, यानी आप सोचिए शुरू से ही लगातार किसान बोल रहे थे कि जितनी बैठक हुई अमित शाह ने अब तक मंत्रियों के साथ ली है, लेकिन डायरेक्टली अमित शाह अब तक एक भी बैठक में किसानों के साथ नहीं पहुंचे, लिहाजा आज गृह मंत्रालय से न्योता सीधे राकेश टिकैत के पास आया जिसमें कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल से आप बातचीत कीजिए, 13 से 15 लोग प्रतिनिधिमंडल में हो सकते हैं, गृह मंत्री के पास आइए, उनके आवास पे बैठक की जाए, कल की बैठक है, कल की बैठक से आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए सरकार की तरफ से न्योता खुद सामने आया है, यहाँ पर किसानों ने नहीं मांगा था समय अमित शाह से मिलने के लिए, गृह मंत्री से, कि हमको आपसे मिलना है, अपना रुख रखना है, क्योंकि किसान तो फ्रॉम द डे वन, यानी कि डे वन से किसान लगातार ये बात बोल रहे हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं सुने, हमसे बात करें, डायरेक्टली बोले। सबसे पहले कहा गया था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिंगू बॉर्डर पे आकर बात करें, लेकिन आज अमित शाह ने अपने आवास पे बुलाया है, 13 से 15 लोग होंगे डेलीगेशन में जो जाएंगे। राकेश टिकैत ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत जब की थी हिंदुस्तान से, उसमें कहा था कि सरकार थोड़ी नर्म हुई है, लेकिन हमारी मांगे रद्द किया जाए, अब जो सरकार ने बुलाया है। जी, प्रत्युष के पास लौटेंगे लेकिन जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, हिमाचल में भी भारत बंद का असर देखने को मिला है? नहीं जी जी, हाँ नमस्कार जी, थैंक यू। अच्छा, कौन करा रहे हैं? क्या आप ही कनेक्ट हो रहे हैं? कनेक्टेड है? हाँ, साउंड भी आ रही होगी आपको? आ रही, मेरी आवाज आ रही है?
जी जी जयराम ठाकुर जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी 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 जयराम ठाकुर जी, हिमाचल में जो ये तीनों बिल हैं उनको लेकर क्या स्थिति है, वहां का किसान क्या सोच रहा है? जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं है, आज पूरा का पूरा हिमाचल खुला है, एक भी दुकान बंद नहीं है, एक भी गली बंद नहीं है, पूरा का पूरा जो है हिमाचल प्रदेश जो है इस निर्णय का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है, और मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता से भी हम अपील करना चाहेंगे, ये बिल किसान के हित में है और किसान के हित में है, इसका स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। जयराम ठाकुर जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जरूर करूंगा अगर हिमाचल की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेब की फसल अच्छी होती है, तो वहां के किसान क्या सोचते हैं, किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और क्या वाकई में कुछ खतरा है इससे? देखिए, इसमें कोई खतरा है कि वाली खतरे वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहां तक ये बात ठीक है कि हिमाचल में लैंड होल्डिंग बहुत कम है लोगों के पास, एक खेत यहाँ है किसान का, दूसरा खेत वहां है, वो व्यवहारिक रूप से जमीन स्तर पर जो है थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में बहुत सारी जमीन ऐसी है जहां फसल उगनी चाहिए लेकिन खेत खाली पड़े हैं, वहां पर उन खेतों को जोतने के लिए कोई नहीं है उस परिवार में, जो मालिक है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया है तो ये स्वागत योग्य है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जयराम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि देखिए हिमाचल में कोई बंद नहीं है, हिमाचल में किसानों को थोड़ी अगर कोई दिक्कत है भी तो जाहिर है कि बातचीत हो रही है, कल बातचीत होनी थी, उससे पहले आज इस पूरे बंद को आप कैसे देख रहे हैं? और खासकर किसानों का आंदोलन तो समझ में आता है, लेकिन जो विपक्ष ने आज जो बंद का समर्थन किया और जो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, क्या वो फ्लॉप हुए, इस भारत बंद से साबित हो गया है कि नहीं चला उनका एजेंडा? जहां तक हमारी सूचना के मुताबिक, जब हम देख रहे हैं पूरा मीडिया में जहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक, तो ये लगता है कि ये कुछ राज्यों तक सीमित हो गया है और उसमें पूरे देश भर में तो इसका असर है ही नहीं और हिमाचल प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है। सही बात तो ये है कि सब लोग इस बात को अच्छी तरह से अब समझ गए हैं, पूरा देश इस बात को समझ गया है कि ये किसानों का आंदोलन कम है, किसान का आंदोलन कम है, राजनीतिक आंदोलन मोदी जी के खिलाफ है, और ऐसी परिस्थिति में जो राजनीतिक दल जो है इसको कूदने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी जमीन खिसकते हुए देख रहे हैं, जहां जमीन उनके पास नहीं बची है, जहां वो हार के हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको लग रहा है कि एक उम्मीद यह है कि इसके माध्यम से थोड़ा जमीन तलाशने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि वो सफलता नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि किसानों के नाम पर ये विपक्ष के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है सरकार को घेरने का, जिसका पूरा फायदा उठा रहा है विपक्ष? यही करने जा रहे हैं, बिल्कुल यही करने का मकसद है इन लोगों का जो राजनीतिक दल हैं, और यही मकसद के साथ ये इस राजनीति इस किसान आंदोलन में अपने आप को जो है वो झोंक रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि तुम भी आ जाओ, और ऐसे में मैं समझता हूं कि कतई भी सफलता हासिल होने वाली नहीं है। विचित्र परिस्थिति हमारे सामने, पूरे देश के सामने, कुछ नेताओं की हम जब देख रहे हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी नहीं है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि किसानों के लिए इस प्रकार के संशोधन इस बिल में होने आवश्यक हैं? अगर एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अगर ये संशोधन करके जो है उनको लागू किया है तो मुझे लगता है उनको स्वागत करना चाहिए। ये सत्य नहीं है कि केजरीवाल ने जो है उसकी अधिसूचना जारी कर दी, एक तरफ से अधिसूचना जारी करने के बाद जो है अब आंदोलन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। जयराम जी, यही शरद पवार अपने आप कह रहे थे जब कृषि मंत्री थे केंद्र में यूपीए सरकार में जी, कि प्रदेशों को ये कानून जो है लागू करने चाहिए और पायलट प्रोजेक्ट के नाते अपने अपने सवाल वो स्वरूप पर उठा रहे हैं। जी जी, स्वरूप पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारे कानून का स्वरूप ये नहीं था जो आप लेकर आए। देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि भावना एक जैसी थी, बिल्कुल उसमें भी बहुत अंतर नहीं था जिस तरह की वो बात कह रहे थे, लेकिन आज जिस प्रकार से किसानों के बीच में गुमराह करने के लिए ये जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा किसान का वर्ग ऐसा भी है जो आज घर में देख रहा, घर से इसको देख रहा है, घर में इसको महसूस कर रहा है कि गलत क्या है, वो ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कोई चीज ऐसी मिले तो सही, कोई जो विरोध करने लायक हो, महसूस कर रहे हैं कि विरोध करने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। बहुत बड़ा किसानों का वर्ग हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में घर में बैठा आराम से काम कर रहा है, अपने खेत में काम कर रहा है, और ये जो सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग हैं ये सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ जो है कुछ किसानों को गुमराह करने में कामयाब हो रहे हैं, और मैं समझता हूं
जब आगे विषय बढ़ेगा, जब हकीकत सामने आएगी, तो निश्चित रूप से इनको निराशा हासिल होगी, महसूस करेंगे कि हमने गलत ये जो निर्णय लिया है। जयराम जी, जो पंजाब का किसान है, बड़ी खेती करता है, वहां जो है एमएसपी पर अपना गेहूं और धान भी बेचता है, लेकिन अगर हिमाचल की, वही मैं जानना चाह रहा हूं, जो हिमाचल का किसान है, खेती अलग है, पहाड़ी राज्य है, वहां के किसान को, जो छोटे राज्य के किसान है, उनको किस तरह से फायदा इस बिल से हो सकता था, लेकिन अभी तो पूरा आंदोलन है। नहीं देखिए, अभी आंदोलन का स्वरूप है, लेकिन इस बात को लेकर के मैं यही कह रहा हूं कि इसका इसका एकमात्र रास्ता है संवाद, और संवाद के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आज शाम को भी बुलाया गया है, खुले मन से बुलाया गया है, उसमें कोई रास्ता निकलने की हमको पूरी आशा है, पूरा भरोसा है। जहां तक किसान के हिमाचल की बात है, हिमाचल प्रदेश में MIS के माध्यम से हम जो है वो काम करते हैं, और MSP के बारे में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, जो कहा है कि MSP को समाप्त करने के लिए केंद्र ने कोई मंशा ही जारी नहीं की है, ये शोर किस वजह का है, ये सारी चीजों को स्पष्टता जब नीचे नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जहां हिमाचल प्रदेश में हमारे पास एप्पल होता है, और उसके बाद लोअर हिमाचल प्रदेश में हमारे नींबू प्रजाति के जो जितने भी हमारे फल होते हैं MIS का हम उसमें माध्यम अपनाते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं भी कठिनाई नहीं आई। तो सर, अगर सरकार जब बिल ला रही थी, तो जो अलग अलग मुख्यमंत्री थे, अगर उन्हें विश्वास में लिया जाता और ये सारे जो बिल हैं जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बाकी क्षेत्रों के राज्यों के किसानों को फायदा होगा, तो कहीं समझाने में परेशानी रही, नहीं समझा पाई पहले, मुख्यमंत्रियों से बात की जाती? स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जितना भी समझाने की कोशिश करेंगे वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी समझ में एक ही बात है कि ये मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने लाया है ये बिल, मोदी जी के हर बात का विरोध करना उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है, और ऐसी परिस्थिति में उनको समझाने में बहुत सारा वक्त लगता और ये बिल पारित नहीं होता। मैं समझता हूँ कि बहुत ठीक प्रक्रिया अपनाई गई इस बिल को पारित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, और उसके बाद उसको लागू होना चाहिए, लागू करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार उन्होंने ये कहा है कि देखिए हिमाचल में कुछ भी बंद का असर नहीं है, किसानों को समझाया जाएगा, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहां है किसी भी साहब? वहीं पे बात ही कर रहे हैं सर। यार बात ही करते रहोगे सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ अरेस्ट करके रखा हुआ है ना। नहीं 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 मुखातिब हो रहे थे और कह रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए रमन, ये यहाँ पर भी आरोप लग रहा है कि अगर ऐसा है कि नजरबंद नहीं किया गया है तो उनको क्यों नहीं जाने दे रहा है, ये सवाल खड़ा हुआ है। बिल्कुल, बातचीत चल रही है दिल्ली पुलिस और मनीष सिसोदिया के पास, और यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं मनीष सिसोदिया। सीधा हितेन के पास चलते हैं। हितेन, मनीष सिसोदिया धरने पर बैठ गए हैं। हितेन, क्या आवाज मिल रही है आपको हमारी? हितेन से संपर्क, बिल्कुल हितेन मैं समझना चाह रही हूँ। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया धरने पर बैठ गए, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो सही है, केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है हितेन आपको?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है आम आदमी पार्टी की। साफ तौर पर देखिए दिल्ली में जब ये कानून देश भर में लागू हुआ तब दिल्ली में 23 नवंबर को यही आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिल्ली का राजपत्र डिक्लेयर करके इस कानून को दिल्ली में लागू किया था। उसके बाद अब वो कह रही है कि वो किसानों के साथ है, ये कानून किसानों के हित में नहीं है, हम इस कानून का विरोध कर रहे। पहले आपने लागू कर दिया उसके बाद आप कह रहे कि हम ये कानून किसानों के विरोध में, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स चल रही है, ये अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह की पॉलिटिक्स जो है आम आदमी पार्टी पहले भी कर चुकी है और जानती है, वो बखूबी जानती है कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। इसीलिए सुबह होते ही, भारत बंद की सुबह होते ही सबसे पहले एक ट्वीट कर दिया कि इसी दिल्ली पुलिस ने, केंद्र सरकार ने मुझे घर में मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर रखा है। हालांकि आप वहां की तस्वीरें देखते तो वहां दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, वो सभी मेयरों के साथ एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर, इसीलिए बैरिकेडिंग की गई है। और अब मनीष सिसोदिया गए, उन्होंने मुलाकात भी की और वो बाहर निकलकर फिर एक बार कह रहे कि हम इस कानूनों का विरोध करते हैं और हम किसानों के साथ हैं। लेकिन उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने 23 नवंबर को ये कानून लागू क्यों किया, अगर ये कानून किसानों के विरोध में है तो आपने लागू क्यों किया। देखिए पंजाब सरकार एक तरफा है, पंजाब सरकार ने साफ साफ कहा कि भाई ये कानून किसानों के हित में नहीं है और पंजाब गवर्नमेंट ने अपने 3 अलग ऑर्डिनेंस जो है इन 3 कानून के खिलाफ अपने विधानसभा में पास किए। वो अपनी एक अलग राजनीति कर रही है क्योंकि पंजाब की सरकार को बखूबी पता है कि पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो किसानों पर टिकी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब किसान आंदोलन कहीं ना कहीं सियासत भी इसमें बीच में आ गई है और हर पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठाना में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।